Subscribe my channel for all the latest update and don't forget to press the bell icon. Hello, welcome back to my channel. So today in this video we will gonna start session 3 and session 4 of web application basic IT subject code 402. So पहले मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिन बच्चों ने आप लोगों ने first session और second session मेरा नहीं देखा है, please go to my profile, have a visit to my profile and please go through with the videos and अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है या कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको कमेंट बॉक्स से पढ़कर आपको वहीं पे रिप्लाई कर सकूं। सो आइए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेशन 3 इंट्रोडक्शन टू इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग इंटरनेट पर एक कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है। टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन को सेंडर के थ्रू सेंड किया जाता है एंड रिसीवर के थ्रू एक्सेप्ट किया जाता है। ये होता है हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू आप काफी सारी डाटा शेयर कर सकते हैं, जैसे आप फाइल शेयर करते हैं, ठीक है, एंड आप ऑडियो फाइल्स शेयर करते हैं, आपकी वीडियो फाइल्स, आपके कॉन्फ्रेंसिंग जो होती हैं बेसिकली, तो ये सारी चीजें आप इजिली शेयर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? हमारे इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, वेब बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड। अब वेब बेस्ड क्या होते हैं एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्या होते हैं? तो बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड वो होते हैं जैसे कि आप लोग यूजर क्या करता है, डाउनलोड करता है, इंस्टॉल करता है एप्लीकेशंस को, तो वो क्या हमारे एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। अब वेब बेस्ड क्या होते हैं? वेब बेस्ड बेसिकली होते हैं जो आप जो वेब ब्राउजर्स होते हैं उनके थ्रू जाकर उनको एक्सेस करते हैं, उनको यूज करते हैं, वो हमारी वेब बेस्ड होती हैं। एप्लीकेशन बेस्ड में कौन कौन से आते हैं? आपके व्हाट्सएप आते हैं, स्काइप आते हैं, तो ये याहू मैसेंजर आते हैं, तो ये आपके एप्लीकेशन बेस्ड हैं। अब वेब बेस्ड कौन कौन से आते हैं? आपके IMO आते हैं, याहू मैसेंजर भी आता है क्योंकि आप उसको वेब के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं और एप्लीकेशन भी होता है आपका याहू मैसेंजर का, ये दोनों चीजें होती हैं। एप्लीकेशन भी होता है और ये एप्लीकेशन बेस्ड भी होता है, ये वेब बेस्ड भी होता है। जैसे कि आपका व्हाट्सएप है तो आप उसको एप्लीकेशन भी होता है, आप उसको इंस्टॉल भी करते हैं, आप उसको वेब के थ्रू भी एक्सेस करते हैं। वेब क्या होता है? वेब ब्राउजर की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। जैसे कि आपका मोजिला फायरफॉक्स होता है, आपका गूगल क्रोम होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होते हैं, तो ये आपका वेब ब्राउजर होते हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हैं, इन एप्लीकेशन को यूज करते हैं, राइट? तो वो वेब बेस्ड हो जाता है। आई थिंक आप क्लियर हो रहे हैं। हर एक इंस्टेंट मतलब कि इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? आपको एक अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है। जैसे कि आप लोग इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को आप यूज करेंगे तो आपको वहां पर जीमेल अकाउंट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, आपको वहां पे क्रिएट करना पड़ेगा जीमेल अकाउंट। उसी तरह से जब आप अपना जैसे कि प्ले स्टोर से अगर कुछ डाउनलोड करते हैं, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ता है? पहले वहां पर अपनी आईडी को क्रिएट करना पड़ता है, अपनी जीमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। आई थिंक आप क्लियर हो रहे हैं। तो जीमेल आईडी सबसे पहले, यानी कि आपका एक अकाउंट होना चाहिए, याहू अकाउंट, जीमेल अकाउंट, जो भी अकाउंट है, एक अकाउंट हमारा मेजर इंपॉर्टेंट होता है, अकाउंट आपका बना हुआ होना चाहिए हर एक एप्लीकेशन को यूज करने के लिए, चाहे वो ऐप जो है वेब बेस्ड हो या फिर वो आपका एप्लीकेशन बेस्ड हो, राइट? तो ये होता है हमारा सेशन 3 आपका जो इंस्टेंट मैसेजिंग के रिगार्डिंग था। आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं सेशन 4 के साथ। सेशन 4 क्या है हमारा? चैटिंग विद कॉन्टेक्ट। हम किस तरह से कॉन्टेक्ट के साथ चैटिंग कर सकते हैं? जैसे कि आप लोग जब गूगल ओपन करते हैं, ठीक है, गूगल में आपके पास चैटिंग ऑप्शन भी होता है, याहू पे आप जब हम पहले के टाइम पर जब हमारे पास व्हाट्सएप नहीं होते थे या फिर फोन भी बहुत कम के पास होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, किसके थ्रू चैटिंग करते थे? जैसे कि हमारा याहू होता है था तो याहू पे हम लोग चैटिंग करते थे, याहू मैसेंजर जो होता था वहां पर चैटिंग करते थे। यस, इट इज पॉसिबल कि हम याहू मेल जो मेल आईडीज होती है हमारी उन पे हम चैटिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली आइए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो, किस तरह से चैटिंग का प्रोसेस होता है, उनके रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि चैटिंग क्या होता है। तो चैट बेसिकली क्या होता है? एक कम्युनिकेशन होता है, इंटरेक्शन होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में, और उनकी बेसिकली कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, जैसे कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड ये आगे हम डिस्कस करेंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो पहले चैटिंग रेफर इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरेक्ट एंड एक्सचेंजिंग द इंफॉर्मेशन वन टू अनदर, राइट? तो दिस इज द चैटिंग।
Now let's discuss the rules and regulations of chatting. So basically पहली चीज ये आती है हमारे पास कि शॉर्ट मैसेज हमें सेंड करना चाहिए, हमें लंबे मैसेजेस सेंड नहीं करने चाहिए ताकि जो सामने रिसीवर है वो उसको इजिली पढ़ पाए और उसको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर वो कई बार क्या होता है हमारे पास जब व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं इतने लंबे चौड़े मैसेज आते हैं, कई लोग तो उसे पढ़ते भी नहीं है और उसको इग्नोर कर देते हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि हमेशा शॉर्ट मैसेज भेजो, लेकिन वो शॉर्ट मैसेज क्या होना चाहिए, एक स्पेसिफिक मतलब कि जो आपको दूसरे को सेंड करनी है इन्फॉर्मेशन उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जानी चाहिए, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर्ड हो जानी चाहिए, तो जो एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन हमें सेंड करनी चाहिए, यह हमारा फर्स्ट रूल होता है। सेकेंड रूल की बात करें तो हमारे पास होता है कि जब भी आप कोई मैसेज भेजते हैं तो कभी जब भी आप लोग कोई मैसेज भेजते हैं तो आपको ऑल कैप्स लोग ऑन करके नहीं भेजना चाहिए, यानी कि अपर केस में जो अल्फाबेट भेजते हैं यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो कैपिटल लेटर्स में नहीं भेजना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में भेजने का क्या मतलब होता है कि अगर हम किसी को कैपिटल लेटर में भेज रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि हम रूड हो रहे हैं, ठीक है, हम एग्रेसिव हो रहे हैं, तो जब भी कोई एग्रेसिव होता है तो वो क्या करता है उन कैपिटल्स को जोर डालते हैं और उसको क्या करते हैं कैपिटल लेटर्स में भेज देते हैं। तो नॉर्मल लोग क्या करते हैं कि कैपिटल में नहीं स्मॉल लेटर्स में भेजते हैं, अगर कोई कैपिटल लेटर्स में भेज रहा है इसका मतलब वो एग्रेसिव हो रहा है ये माना जाता है, तो इसलिए हमें कभी भी मैसेज जब हम सेंड करते हैं तो कैपिटल लेटर्स में नहीं भेजना चाहिए, ऑल कैप्स को ऑन करके नहीं भेजना चाहिए, राइट, ये हमारा सेकंड रूल होता है। थर्ड रूल होता है जैसे कि अगर आप कोई भी ग्रुप में है, ठीक है, आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं और एक कन्वर्सेशन चल रही है ग्रुप में, लेकिन आपको उस कन्वर्सेशन का नहीं पता है और आप मैसेज कर देते हैं तो वो गलत चली जाती है वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन के बारे में पता नहीं है कि किस कन्वर्सेशन में किसने स्टार्ट किया, क्या कन्वर्सेशन चल रही है, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको ग्रुप पे जाकर जो जिस यहां से वो कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई है वो कन्वर्सेशन आपको पढ़ना है कि किसने क्या क्या कन्वर्सेशन किया है और उसका क्या आउटपुट है, क्या रिजल्ट है और क्या ठीक है क्या नहीं है, आपको पहले खुद एस्टिमेट करना है उसके बाद आप ग्रुप में मैसेज करिए। तो ये रूल्स होते हैं हमारे जब आप चैटिंग करते हैं कोई भी, तो इन रूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज होती है कि आप जब भी जैसे कि आप कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो उसमें प्रॉपरली एंडिंग करना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि आप कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं तो कन्वर्सेशन स्टार्ट किया लेकिन उसको प्रॉपरली एंड नहीं किया तो वो कन्वर्सेशन क्या होती है, खराब हो जाती है, ठीक है, वो अच्छे से एंड नहीं होती है, तो कन्वर्सेशन को एंड करना बहुत जरूरी होता है। और बेसिकली इसके अलावा क्या होता है कि हमें जो रिसीवर है जैसे कि सेंडर है, मैं सेंडर हूं, मैंने रिसीवर को मैसेज किया तो सेंडर ने अगर रिसीवर को मैसेज कर दिया तो सेंडर मतलब कि रिसीवर को टाइम देना चाहिए रिप्लाई करने का, ये नहीं है कि अभी मैंने मैसेज किया तो अभी रिप्लाई आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि सेंडर को हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए उसको रिप्लाई करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिप्लाई कर भी देते हैं लेकिन इंटरनेट की प्रॉब्लम आने के कारण क्या होती है वो टाइमिंग्स वो स्लो हो जाता है, मैसेज नहीं पहुंच पाता है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें रिसीवर को थोड़ा टाइम देना चाहिए रिप्लाई करने के लिए। तो ये हमारे रूल्स होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। अब आता है चैटिंग ऑन गूगल, किस तरह से हम गूगल पे चैटिंग कर सकते हैं। तो गूगल पे चैटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको वेब ब्राउजर एक्सेस करना पड़ेगा, कोई भी वेब ब्राउजर आप एक्सेस कर सकते हैं, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, आपने gmail.com लिखा वहां पर एंटर किया, उसके बाद क्या होता है आपके पास जीमेल अकाउंट वो आपके पास आईडी पासवर्ड मांगता है, तो आपने आईडी पासवर्ड डाला और उसको क्या किया ओके कर दिया, एंटर कर दिया, उसके बाद क्या हो गया आपका जीमेल अकाउंट ओपन हो जाता है। जब आपका जीमेल अकाउंट ओपन हो जाता है आपने देखा होगा लेफ्ट साइड पर आपके पास कॉन्टेक्ट्स आ जाते हैं, जो भी कॉन्टेक्ट आपने सेव कर रखे हैं वो सारे कॉन्टेक्ट आपके लेफ्ट साइड में दिखाई दे जाते हैं और उसमें आपको जो भी एक्टिव होता है आप उस पर क्लिक करके आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप उसको मैसेजेस कर सकते हैं, आप चैटिंग कर सकते हैं, राइट। अगर आपको कोई न्यू कॉन्टेक्ट उसमें ऐड करना है आप वो भी ऐड कर सकते हैं जीमेल अकाउंट पे, तो बहुत इजी है चैटिंग करना जीमेल अकाउंट पर। तो इस तरह से हमारा सेशन 4 भी कंप्लीट होता है, तो वेटिंग स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू,
जिन लोगों ने वीडियो सेशन 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है प्लीज देखिए एंड कंटिन्यू कीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।